Fourth accused in Baba Siddiqui murder case is Jasin Akhtar, who's been told, and this is the residence of Jasin Akhtar, who's from last 4 to 5 years, who's into this gangster's connection and has all nexus. And from last 15 days, his neighbors are telling that from last 15 days, there's no one here at the residence. He has his father and brother in the family, and there's no one from last 15 days. There's only Lok that's been hanging at the door, and this is the Shankar village of Nakodar area of district Jalandhar. And we have neighbors who are telling his story that from school days he was innocent and was got indulged into certain activities, that this is a day he's been involved in that big murder case. We have Gagandeep. Aap padosi hain iske? Ji haan, padosi hain. क्या कौन कौन है इसके परिवार में, और कितनी पढ़ाई इसने की है, कैसा लड़का था? दसवीं तक इसने पढ़ाई की है, इसके पापा है तो ब्रदर है, यही है। क्या नाम है इसका? जैसीन अख्तर। हाँ जी। तो ये कैसे, कौन कौन है इसके परिवार में? पिताजी है तो ब्रदर है, एक ब्रदर। तो अभी पिताजी और ब्रदर कहाँ पे है? 15 दिन से जहाँ पे है नहीं, ताला ही लगा हुआ है। तो काम क्या करते हैं ये? जी टाइल पत्थर का काम करते हैं। तो काफी अच्छी फैमिली थी जी, अभी 4-5 साल से तो ऐसे हो गया, पहले तो सब ठीक था। तो खुद ही इसने पढ़ाई कितनी की है जैसीन अख्तर ने? 10वीं तक की इसने। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद पापा के साथ काम पे जाता था जी। तो यहाँ पर छोटी मोटी लड़ाई से कहते शुरुआत हुई, उसके बाद ये आज बड़े केसेस में नाम है। बाजार में 3-4 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसमें इसके लोकल थे जहाँ के, उसके पापा के जो वीडियो वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर, उसकी इसने खामोशी महसूस की इसकी, तो उसकी वजह से ये बाप से नहीं आया। जब आया तो पता चला भी ये तो बिश्नोई गैंग के साथ चला गया, तो उसमें इसका नाम आया। सिद्धू मूसेवाला के पहले भी इसका नाम बोला था, पुलिस आती थी जाती थी, पर जहाँ तो ताला लगा था कोई है ही नहीं था घर में। तो जब पुलिस आती जाती थी या केसेस में नाम आता था, तो उसके पिता या भाई घर वाले क्या बोलते थे? घर वालों ने बेदखल किया था उसको, बेदखल किया हुआ घर वालों। कितने टाइम से? उसको 4-5 साल पहले बेदखल कर दिया था उसको घर से, इसी केसेस में होने की वजह से। परेशान थे, सभी परेशान थे, तो पर उसके जो पापा की लड़ाई उसके बाद बस आगे चलता गया, वापस इस दुनिया में वापस आया ही नहीं। बात ऐसे जब आता था अकेला आता था या और भी आते थे? अभी तो देखा नहीं ना, 4-5 साल तो देखा नहीं है। पर अभी जून में जब जमानत पर आया तो यहाँ पर आया ना? तभी नहीं आया ही नहीं ना, आया ही नहीं। तो आपके मीडिया से माध्यम से हमको पता चला कल रात भी बाबा सदीकी का मर्डर केस में इसका हाथ है, तो पहले तो मालूम ही नहीं था, मीडिया के जरिए ही पता चला, कल न्यूज चल रही थी। उसका भाई कैसा है? वो शरीफ है या वो भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व? वो ठीक है, अभी तो टाइलों का काम करता है, अपने पापा के साथ ही करता है। 1.5 महीना पहले हमारे पास में वहाँ पे टाइल लगा के हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वो ठीक है, सभी फैमिली ठीक थी पहले। सिद्धू मूसेवाला केसेस में भी पुलिस यहाँ आती थी? आती थी, चले जाते थे, घर में तो ताला लगा था उस समय। आपको या गांव में कैसे पता लगा कि सिद्धू मूसेवाला केस में आई है या बिश्नोई केस में आई है? क्या कौन सी आती थी ना, तो तब पता चलता था। जब पता चला भी ऐसे पुलिस आती है तो सिद्धू मूसेवाला केस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, तब आई थी? हाँ, तब आई थी। तो अभी यहाँ गांव क्या सोचता है जब ऐसे केसेस या पता लगता है ऐसे? अभी तो दुख होता है मन को, हमारे साथ में बैठता उठता था, तो बड़ी दिल में ठेस पहुंची, विजय कहाँ पे क्या काम करने लगा ये। जब आपसे मिलता था क्या बातचीत करते? बाप ऐसे जैसे हम बैठे हैं वैसे ही, सब मेरी दुकान पे शॉप पे आके बैठता था नॉर्मली, स्कूल जाते वक्त भी बाप साथ थे भी, तो वैसे भी वो पिता की लड़ाई से उसका, जब पिता की लड़ाई उससे बाद ये सारा कुछ हो गया। तो समझाने की कोशिश नहीं की गांव में से किसी से या परिवार में से? मेरे से तो खुद बात हुई ना उसकी, वो बोल रहा था ऐसे हो गया, मैं कोई बात नहीं दिल को मत लगाओ, वो दिल को लगा गया। क्या बोलता था? क्या ऐसे मेरे फादर साहब की इंसल्ट हो गई, हम कुछ नहीं कर पाए, ऐसे हो गया। उसका वीडियो वायरल होने के बाद ये सारा कुछ हुआ, पहले सब कुछ ठीक था। वीडियो लड़ाई की वायरल हो गई थी, जब लड़ते थे ना वहाँ पे, उसके दाढ़ी को हाथ लगाया ऐसे, सभी वीडियो वायरल हो गई थी, उसके बाद ये वापस आया ही नहीं, चला गया। सो दिस इज द स्टोरी दैट नेबर्स आर टेलिंग दैट जैसीन अख्तर हाउ गॉट इंडल्ज इनटू सच एक्टिविटीज एंड नाउ ही इज बीन इन्वॉल्वड टोल्ड टू बी इन्वॉल्वड इन दिस
Baba Siddiqui case and several other cases he has on him. And from last 4 to 5 years, he is indulged into several serious cases that police has raided the house, has done an interrogation, and family feels a regret and also made several decisions taking Jaisin Akhtar and his activities on a serious note. With video journalist Girish, this is Aman Bhardwaj from Village Shankar, Nakodar, Jalandhar, Aaj Tak.